हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। और आज के हमारे गेस्ट हैं एसएसके सर, आपका दिल से स्वागत है। थैंक यू गहना जी, आपने बुलाया अपने घर पे और इंटरव्यू के लिए मेरा सौभाग्य। अरे सो नाइस ऑफ यू। सो एसएसके सर के बारे में मैं दो बातें बताना चाहूंगी। आज आप जितने भी ऐपों में ऐसे कमाल के सीन देख रहे हैं, गर्मा गर्मी देख रहे हैं, और जो देख करके आपकी नींदें अच्छी हो जाती हैं, उसका एंटायर क्रेडिट गोज टू एसएसके सर। और एसएसके सर ने एक नया सिनेमा दिया है, बहुत सारे आर्टिस्ट को काम दिया है, आज इनकी वजह से बहुत लोगों का घर चल रहा है। और ना सिर्फ टेक्नीशियंस, ना सिर्फ आर्टिस्ट, उनसे जुड़े हुए लोग भी इनकी वजह से बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये सच है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सच है। थैंक यू, वेलकम। अगर सर ऐसा लग रहा है, ऐसे लोगों की सोच है, मतलब मैं ये नहीं मानता कि मैं अपना काम कर रहा था, कोशिश कर रहा था और चीजें बढ़ती चली गई। यस जब हमने स्टार्ट किया था तो इतनी चीजें थी नहीं, इतने लोग कर नहीं रहे थे, लेकिन अब बहुत कुछ हो गया है। सो एसएसके सर, मुझे बताइए, आप बॉम्बे लोकल बॉम्बे से हैं? हाँ, मैं यहीं का, मेरा पैदाइश यहीं का है, मुंबई से हूँ मैं। ठीक है। तो जब आपने पहली बार डिसाइड किया कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, तब आपके दिमाग में क्या आया, और आपने कैसे शुरुआत की, और आप यहाँ तक जो पहुंचे हैं, तब में और आज में क्या फर्क आप देखते हैं? नहीं, मैं ना यहाँ पे मुंबई में ना धारावी में पैदा हुआ, जो स्लम एरिया है, अच्छा, ओके। ठीक है। और मेरे पिताजी जो टैक्सी चलाते थे, तो बचपन से ना जो बेसिक चीज है ना, उसके लिए ही परेशान रहते थे हम लोग। जैसे पानी हो गया, बाथरूम हो गया, तो मुझे ना बड़ा टेंशन होता था कि यार ऐसी भी क्या जिंदगी की बेसिक चीज के लिए हम परेशान रहे। करेक्ट करेक्ट। तब से मैं सोचता था कि हमको ना ऐसा लाइफ चाहिए कि कम से कम ये बेसिक चीज के लिए हम परेशान ना हो, जो नॉर्मली हर गरीब आदमी कर रहा है। और मुझे लगता था कि यार इसके लिए ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन धरावी की ना एक अलग ही दुनिया है। तो बचपन में जब मैं वहीं पे था और हाँ जब बाहर आया, तो देखा बाहर की दुनिया तो बहुत अलग है। करेक्ट। अब मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। फिर मैंने सोचा कि कैसे क्या करें, हाँ कभी ये किया कभी वो किया, कि मेरे दिमाग में ये था कि कैसे मैं इतना कमाने लगूं कि ये सारी बेसिक चीज जो है ना मेरे घर में, मुझे इस चीज की तकलीफ ना हो। लेकिन बहुत कोशिश किया, बहुत हार मिली, और मेरे पिताजी हमेशा मुझे गाली देते थे कि दुनिया का सबसे निकम्मा मैं ही हूँ। और मुझे भी ऐसा लगता था कि सच में मैं निकम्मा ही हूँ। फिर थक हार के फिर 8 साल मुंबई में टैक्सी चलाया हूँ, गली गली में। ये जितने रोड, जितनी गलियां हैं ना, हाँ सबको जानता हूँ मैं। सब बिल्डिंगों में मैंने काम किया है, मतलब पैसेंजर छोड़ा है। माय गॉड। उसके बाद मेरा दिल कभी लगा नहीं। फिर मैंने देखा थ्री इडियट, ओके। उसमें वो आर माधवन का एक डायलॉग है ना, हाँ कि गाड़ी थोड़ी छोटी हो चाहे जो हो, लेकिन एक बार फिर से कोशिश करूंगा। हाँ मैंने वही गाड़ी छोड़ा, हाँ तब मैं चलाता था मेरू। ओके। हाँ, मेरू कैब्स आती थी आती पहले, थी, करेक्ट। 2 साल मैंने मेरू चलाया। इजमीना बिल्डिंग में ही उनका ऑफिस था। आज उसी ऑफिस में मेरे वाओ का हाँ, ऑफिस है। वाओ, सच में वाओ है। दिस इज कॉल्ड जर्नी। फिर कैसे किया आपने? गाड़ी खड़ी कर दिया, और फिर एक जूनियर आर्टिस्ट का जो सप्लायर था, उसमें मेरा दोस्त जो है वो जूनियर आर्टिस्ट था, उसके पीछे पड़ गया कि भाई मुझे कुछ करना है। लेकिन मुझे जूनियर नहीं बनना था। हाँ मैं उसके साथ शूटिंग पे जाता था, सोचता था कि करूं क्या। फिर वहां मुझे एक असिस्टेंट मिला ठीक है, यूपी का, जो मुझे लगा कम पढ़ा लिखा है, ओके, तो मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूं अगर ये कर सकता है। मैं उसके पीछे पड़ गया, और 1.5 महीने के बाद मुझे छोटी बहू जो सीरियल आता था जी टीवी का, उसमें हाँ मुझे फ्री में काम मिला, क्योंकि मेरा ये मानना था कि मैं फ्री में ही करूंगा, मुझे जाना है। डीजीएस राजन शाही का शो था वो या समथिंग? का था, अच्छा, ओके उसके डायरेक्टर थे मोहित झा, ओके। उसमें एक विकास श्रीवास्तव थे जो एसोसिएट थे, तो उन्होंने मुझे चांस दिया। वहां मैंने 3 महीना किया फ्री, ठीक है। उसके बाद वहां जो टीसीआर लिखता था वो हटा, मैं आया, और तब से मैं किसी से काम नहीं मांगा। वाह। मैं करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया, और यहां तक आ गया। तो मुझे बताएं, जैसे कि आप की जर्नी काफी टफ रही है वहां से यहां तक पहुंचना, तो जब आपकी फैमिली को पता चला होगा कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत बदनाम है, जैसे ही आउटसाइडर के दिमाग में आता है कि फिल्मी
करने वाला क्वेश्चन उनके दिमाग में आ जाता है, लड़कीबाजी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और सबसे बड़ी चीज होती कन्वेंस करना कि यार अभी घर तो चल रहा है, घर में इतने पैसे तो आ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जाने के बाद क्या आएगा। आपने कहा आपने 3 महीने तक फ्री में किया, तो वो 3 महीने जब आप कुछ कमा नहीं रहे थे, अपने घर वालों को समझाना कि ये मेरे सपने हैं, कितना मुश्किल था और कैसे किया आपने? मुश्किल ही था, घर वाले तो समझते ही नहीं थे। हाँ, उनको तो लगता था मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं बन ही नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम अगर उसको सोच ले, हमारे अंदर ताकत है तो हम कर सकते हैं। मैं म्युनिसिपल में पढ़ा हूँ धारावी में, उर्दू मीडियम से, लेकिन फिर भी एसएसके बना क्योंकि मेरी जीत थी। हाँ, और मैं कर लिया और मैं कर रहा हूं बिल्कुल। और मैंने हर वो काम जो मुझे लगा टफ है और मैं सोचता था कि नहीं मैं ये कर सकता हूं, और मैंने कोशिश की, मेहनत की। और हाँ, ये मैं बोलो कि मैंने ये नहीं किया कि मैंने सोचा और मैं कर लिया, मैंने काम सीखा। हाँ, समय दिया। मुझे पता है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो सीखना है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं कहीं चूक जाऊंगा फिर मौका मिलेगा, मौका मिलता नहीं है। करेक्ट। मैंने हर जो मौका मिला मुझे उसको भुनाता गया भुनाता गया। अंदर से बहुत डरा भी रहता था कि यार ये गलती ना हो जाए, अगर ये हो गया तो फिर पीछे चला जाऊंगा, लेकिन मैं जो मिलता गया उसको भुनाया और उसका रिजल्ट आज इधर है। बिल्कुल। तो मुझे बताएं, जैसे कि आप एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, सारी चीजें आपके लिए टफ थी, तो ये जो बोल्ड इंडस्ट्री जिसे हम आज कहते हैं, जिसे हम काफी हद तक 18+ कहते हैं, सो इसकी जर्नी आपकी कैसे रही? आपने सबसे पहली सीरीज कौन सी बनाई, कैसे बनाई, और आज जो आपने इतने सारे ऐप खड़े कर दिए हैं, जो सच्चाई है, लोग जाने ना जाने बट सच्चाई ये है दोस्तों, आज बहुत सारे ऐप जो देख रहे हैं, चाहे वूवी देखें, वाओ देखें, रैबिट देखें, अगर एक दो के नाम में भूल गए तो भी बता दें, हो गया डीजी देख लें, और बिग एम जू पे भी मैंने किया हुआ है। हाँ, हंट पे भी मैंने किया हुआ है। तो ये जो सारे ऐप जो आज खड़े हुए हैं ना, उसका क्रेडिट जाता है एसएसके सर को। नहीं, पूरा क्रेडिट मुझे भी नहीं है, उनके मालिक भी हैं जिन्होंने अपना किया। मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अच्छा डायरेक्शन ही कर सकता हूँ ना, बाकी मार्केटिंग वगैरह जो उनका वो था वो अपना कर रहा है, और जो जिस हिसाब से मार्केटिंग कर रहा है उस हिसाब से वो चैनल ग्रोथ कर रहा है। करेक्ट। मैंने अपना अपने आप से 100% मैंने कोशिश की। हाँ। और एरोटिक दुनिया में मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे भी अच्छा करना था यार, अच्छी फिल्में करना था। लेकिन रात में ड्राइवर ही था, और ड्राइवर से डायरेक्टर बनना हाँ। बहुत टफ था। पहले मैं क्राइम कर रहा था, मैंने क्राइम से बहुत सारे किए, लेकिन उसमें जो है ना मुझे ऐसा लगा ना, क्राइम शो ना चैनल का होता है। अभी मैं आपको बोल दूं कि सीआईडी का कौन सा डायरेक्टर है तो आपको नहीं पता होगा, आपको ये पता है कि सीआईडी सोनी का है। इस वजह से मैं ये सोच रहा था कि यार ये एरोटिक नया नया आ रहा है, जब लोग कर नहीं रहे थे, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर ये करूंगा तो अच्छा करूंगा। हाँ। बहुत मैंने रिक्वेस्ट किया बहुत लोगों से, जल्दी वो भी नहीं मिल रहा था। हाँ। फिर इत्तेफाक से मेरा एक दोस्त है कृष्णा, ओके, कृष्णा भगवान जैसा आया। हाँ। और फिर मुझे पहला सीरीज मिला जिसका नाम था ट्रैप। ओके, कौन से ऐप के लिए थी? उल्लू के लिए। ओके। और वो मैंने किया। हाँ। चैनल वालों को अच्छा लगा, ट्रैप अच्छा भी चला। फिर मालिक खुश होके एक जाने अनजाने करके एक स्क्रिप्ट भेजा मुझे। हाँ। कि इसको ऐसे बनाना है, और मैंने वो पढ़ा और जाने अनजाने बनाया। लॉकडाउन लग गया, लोग घर में बैठे थे, जाने अनजाने में सबने जाने अनजाने देख लिया, और वो बहुत बड़ी हिट हो गई। वाओ। और उसके बाद से फिर सफर चलता गया चलता गया। फिर बाद में मुझे मजा आने लगा कि यार ठीक है, अगर मैं ड्राइवर से डायरेक्टर बना, अच्छी फिल्में नहीं मिल रही है कोई बात नहीं। हाँ। टैलेंट दिखाना है, एरोटिक तो एरोटिक ही सही। करेक्ट। तो एरोटिक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे मैं आपसे अभी, हम लोगों ने लेटेस्ट एक सीरीज की, मैंने आपकी एक जो स्क्रिप्ट भी सुनी, मैं देखती हूँ कि यार आप कर सकते हैं, तो अभी आप अपने इस कंफर्ट जोन से जो बोल्ड बना रहे हैं, उस कंफर्ट जोन में कब तक रहना चाहते हैं, और कब नई दुनिया में आप जाकर एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं? बोल्ड में ना शौक से नहीं कर रहा हूँ। देखो भाई, मुझे भी फिल्में करना। हाँ। ठीक है, मैं इसको बोल्ड को रिहर्सल के जैसे ही ले रहा हूँ। मैं हर दिन ये सोचता हूँ, वैसे ही मेहनत करता हूँ कि मेरा रिहर्सल है। करेक्ट। क्योंकि मैंने कभी इतना पैसा देखा नहीं है, 100 करोड़ 50 करोड़, कभी इतना पैसा आ जाए तो मैं फिल्में बना पाऊंगा कि नहीं, तो मैं रिहर्सल मेरा अच्छा रहेगा तो मैं अच्छी फिल्में कर लूंगा। तो मैं बोल्ड को बोल्ड नहीं समझ रहा, मैं ये समझता हूँ कि ये एक सिनेमा है मेरे लिए, और मैं इसका डायरेक्टर हूँ, और मैं हर दिन अपने काम को बेस्ट करता हूँ बेस्ट करता हूँ, ताकि मेरे काम से ही मेरी पहचान है। और आज जो आप मुझसे बात करें सिर्फ मेरे काम की वजह से, सच है। तो मैं इसको रिहर्सल जैसे ही कर रहा हूँ, जैसे डॉक्टर बोलता है कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वकील बोलता है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्टर हूँ, मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। तो मुझे बताएं, जैसे आपने बहुत सारी नई नई एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया है, तो मुझे उनके नाम बताएं पब्लिक को, जिनको आपने लेकर आए इंडस्ट्री में। कास्ट हो गई वो, मैं तो फर्स्ट काम किया उनके साथ। हाँ। जिनी जैज उसने फर्स्ट टाइम मेरे साथ किया है, ठीक उसके बाद में रुक्स,
ठीक है आयुषी जायसवाल और मुस्कान अग्रवाल, शायद बहुत सारों का नाम मैं याद भी नहीं कर पा रहूंगा। हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो हाँ मैं बाकी सबका तो बोल भी नहीं सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिनके साथ मैंने काम किया। बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम किए, हाँ और मैंने जैसे माही कौर हो गई, हाँ मेरे साथ लोगों ने काम किया, उनको रिजल्ट वैसा मिला, हाँ लोग उनको भी लाइक करने लगे, यस। उनका काम तो अच्छा था। जब आपने पहली बार, जैसे होता है ना नया नया एक्सपेरिमेंट होता है, देखो जो फिल्मी है उसको भी डर लगता है बोल्ड करने में। हाँ आप तो एक नॉन फिल्मी थे, हाँ तो जब आपने पहली बार एक बोल्ड सीरीज की होगी, जब आपने लड़की को कहा होगा यार अच्छे से स्मूच कर ले, है ना, या अच्छे से ये सीन परफॉर्म कर ले, नहीं तो वो कितना टफ था या बहुत कंफर्टेबल थे पहली नहीं बार में? कंफर्टेबल तो नहीं था हाँ मेरे लिए, तो लाइन एकदम ही अलग थी, मेरा स्वभाव भी एकदम अलग है। मैं हाँ वैसे जैसा मतलब एरोटिक की दुनिया बदनाम है वैसा हूं नहीं एक्चुअल में, हाँ तो मेरे लिए बहुत टफ था, लेकिन आर्टिस्ट भी सपोर्टिव थे, हाँ और बहुत शर्मा शर्मा के मैंने बोलना चालू किया, फिर करते करते अब तो बोल देता हूँ, ऐसा मेरे लिए टफ था ये। तो जैसे कि मैं ऐसे पूछ रही हाँ हूँ हाँ ना, बोलिए बोलिए बिंदास। सो जैसे आपकी जो इतने सारे आर्टिस्ट हैं, उनमें से कौन सी ऐसी आर्टिस्ट है जिसके साथ आपको काम करके जेन्युइनली मजा आया, ऐसा लगा यार कि ये आर्टिस्ट ना बहुत कमाल का सीन देती उसमें पहला नाम आपका ही है। नहीं, आपने कमाल का सीन दिया यार, आप कमाल कर दियो। ऐसा लोगों की नींदें उड़ी थी मेरे सीन के अरे बाद। उड़ी थी, लोग ऐसे कैमरे के पीछे खड़े रहते थे। हाँ हाँ एक्चुअली हमारे सीन में काफी रश था ना। हाँ और मैंने तो ये भी देखा कि स्विमिंग पूल में जब हम सीन कर रहे थे ना, हाँ तो यहाँ वहां से धुआं भी निकल रहा है। तो एक बात बताइए, आप मुझे कब से जानते हैं? मैं एक्चुअल में आपको जानता हूं जब आप अरेस्ट हुई थी। तभी से, उसके पहले नहीं जानते थे आप मुझे? एक्चुअल में ना ये सीरीज वगैरह ना मैं बहुत कम देखता हूँ यार, ठीक है मुझे ना ऐसा लोगों की तरह का शौक नहीं कि वो सीरीज देख लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। मुझे ऐसा लगता हाँ है मेरे पास बजट होगा तो मैं खुद कर लूंगा, तो मैं ना हाँ किसी की फिल्में ऐसा देखता नहीं, मतलब मुझे इतना शौक नहीं है। अभी भी हाँ बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होंगे जो बहुत सारे फेमस होंगे, हाँ मैं उनको नहीं जानता, क्योंकि हाँ मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं हाँ वो चीजों में मैं इतना, मुझे ऐसा लगता है वो आम जिंदगी मुझे पसंद नहीं है कि चलो यार पैकअप हो गया, अभी दो सीरीज देखना है, ये करना है, हाँ मैं वैसे जिंदगी जीता नहीं हूँ। तो जब आप मुझे, जब आपको पता चला, जब मुझे अरेस्ट हुई मैम, तो उस समय आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आई होंगी, लोगों ने मेरे बारे में बहुत सारी बातें की होंगी, कुछ एक दो किस्से शेयर करिए। नहीं, मुझे लगा कि यार गहना जी को अरेस्ट कर ले, मुझे नहीं कर रहे, सीरीज तो मैंने भी किया था। कौन सी? हॉट शॉट की तो मैंने भी तो एक सीरीज किया हाँ था। हाँ मैं बोल रहा हूँ यार सबकी बातें हो रही है, एसएसके की बातें ही नहीं हो रही है। अरे मुझे बड़ा यार अफसोस हुआ यार, मुझे लगा बहुत अच्छा मौका था, मैं हाँ उसको मिस कर दिया। सच है। अच्छा, तो जब आज जैसे कि जब मैं जेल से बाहर आई, तो अरे मेरे बारे में कुछ तो बातें हुई होंगी ना कुछ की? मैं आपके बारे में हाँ अब क्या बताऊं, बहुत सारी बातें हुई, हाँ कुछ तो अभी याद भी नहीं है। कुछ जो याद है बताएं, हमारा शो है ये, हम बातें कर सकते हैं। लोग बोलते बेचारी गलती से फंस गई। और ऐसा, और हमको तो पता नहीं कि ऐसा कुछ नहीं होता यार, करेक्ट जो मतलब माहौल बनाया गया, जो ये किया गया, वैसा कुछ होता है क्या? अगर नहीं, वैसा हम करेंगे तो हम टिकेंगे क्या? नहीं टिकेंगे, हम चल ही नहीं पाएंगे। ये एरोटिक सीरीज है, इसका नाम ही अलग है। और मैं अगर वो गलत होता तो मैं करता ही नहीं, मतलब जिस हिसाब से मेरा स्वभाव है कि मुझे हाँ ऐसा जो काम लगेगा कि नहीं यार ये गलत है, ये मैं लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, वो मैं करता ही नहीं। मैं एरोटिक इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे अपना काम लोगों को दिखाना है, और मुझे ये मौका मिल रहा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं वो करूंगा ही जब तक मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट ना मिले। नहीं मिले। अब बस थोड़ा हाथ नीचे रखे, मेरा चेहरा कवर हो अच्छा रहा अच्छा है। तो एक बात बताइए, तो आपको, जैसे आपको तो पता है मैं एक्टिंग भी करती हूँ, डायरेक्शन भी हाँ करती हूँ, हाँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले कब आया कि हम लोगों को साथ में काम करना चाहिए, या कैसा, कैसे अपने, कैसे क्या क्या नहीं चीजें नहीं सामने? हम रुक्स के घर पे मिले थे गणपति में, वहां मुलाकात हुई, फिर हाँ बात हुई, तो नाम तो पहले से जानता था, चेहरा भी पहले से जानता था, हाँ तो मैंने सोचा यार इतनी अच्छी आर्टिस्ट है हाँ जो हमारे मतलब पास ही है ना, हाँ जिसको हम बुला सकते हैं। देखो करेक्ट क्या होता है कि एरोटिक में भी ना, आर्टिस्ट में, जैसे आप बहुत बड़ा नाम हो, हाँ तो जो हमारे ग्रुप के और हमारे इंडस्ट्री के जो लोग हैं, एटलीस्ट उनके साथ तो मुझे काम करने चाहिए, मेरा ये सोचता। कि बिल्कुल गहना भी एक बड़ा नाम है, गहना वशिष्ठ,
तो क्यों ना मैं उनके साथ काम करूं, तो ये मेरा भी सौभाग्य होगा ना कि आपने भी इंडस्ट्री को, इस इंडस्ट्री को बहुत सारा समय दिया, बहुत सारी सीरीज अच्छी किया, बहुत सारा डायरेक्शन आपने किया है, और मैं भी इस इंडस्ट्री से था। तो मैं फर्स्ट टाइम जब रुख से घर पे मिला तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे ना गहना जी के साथ भी करना है। और उसके बाद मैंने कई बार आपको फोन भी किया, और करते करते इत्तेफाक से हमने कर भी लिया। और मेरे साथ काम करके आपको कितना मजा आया ये मुझे ना, जैसा नाम था वैसा ही आपका काम है। आपका स्वभाव और आपकी एक्टिंग आपने अच्छा किया, और मुझे अच्छा लगा, मैं आगे भी आपके साथ काम करना चाहूंगा। सो नाइस ऑफ यू। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी। जब मैं SSK सर के साथ मैं सेट पर गई, तो बहुत प्रोफेशनल है, बहुत डेडिकेटेड है। हम लोगों से 6 दिन में उन्होंने 20-25 एपिसोड निकलवा लिया मुझे डबिंग में पता चला, और बहुत अच्छी सीरीज बनी है। आप कहीं भी किसी फ्रेम में ना आप ये नहीं देखेंगे कि इस चीज को लेके कॉम्प्रोमाइज हुआ है या वो हुआ है। उन्होंने भर भर के सीन कराए हैं, मुझसे भी कराए हैं, बाकी एक्टरों से भी कराए हैं, सबने बहुत अच्छे सीन दिए हैं। जेन्युइनली SSK सर, हर आर्टिस्ट ना अपनी जगह पे एक आइडेंटिटी रख रहा है। कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं लग रहा है कि उसके सीन को किसी ने खाया है या किसी की क्रेडिबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है। नहीं, आपने सबके साथ जस्टिफाई किया है, क्योंकि सबके साथ काम करना है ना। एक बार तो सीरीज बनाना नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि सीरीज रिलीज होने के बाद भी उनको लगे कि भाई उनके साथ अन्याय नहीं हुआ। करेक्ट। और अच्छी सीरीज बने, लोग फिर से मेरे साथ काम करें। लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तभी तो लोग थोड़ा जानेंगे। बिल्कुल। तो एक कोई अपना ना बुरा एक्सपीरियंस शेयर करिए, जैसे आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, कभी ऐसा हुआ सेट पर के कुछ ऐसा हो गया हो कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा कभी कि यार ये नहीं होना चाहिए था, यार ये बुरा हो गया, ऐसा कभी? यार ऐसा तो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें ना किसी का नाम जुड़ा रहता तो है। नाम मत लीजिएगा, इंसिडेंट बता दें आप। लेकिन उसको तो पता चलेगा ना कि मैं जिसके बारे में तो बता उसको पता तो चलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, मेरे सब दोस्त यार है, और मेरा कोई ऐसा गलत एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे सेट पे सब अच्छा ही हुआ है, सब बढ़िया हुआ है। हम लोग एकदम खुशी खुशी काम करते हैं फैमिली की तरह। और मुझे बताइए, कभी ऐसा हुआ कि आपने कास्टिंग कर ली हो कोई लड़की की? लड़की की बात करो, लड़कों की तो बात ही नहीं करते मैं। तो कोई लड़की को आपने सोचा यार बहुत अच्छी, बहुत सेट पर आने के बाद लगा यार किसको कास्ट कर लिया यार, ऐसा बहुत होता थी। हाँ, ऐसा मेरे साथ एक सीरीज थी। हाँ? लोग बोलते हैं कि यार SSK मुस्लिम के ऊपर सीरीज नहीं करता। अच्छा? मैंने एक सीरीज बनाई हुई है, उसमें एक लड़की थी, वो दिखने में ना बहुत भोली, बहुत सुंदर थी। फिर फोटो आया था, हमने कास्ट कर लिया। उसके बाद में जब सेट पे आई तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसको कहाँ कास्ट कर लिया। और वो इत्तेफाक से ना वो सीरीज ना चैनल वालों ने रिलीज नहीं किया, क्योंकि इतनी खराब कास्टिंग हो गई थी। वो पूरी स्टोरी ही मुस्लिम बेस पे थी, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं ना। हाँ। तो हमने पूरे मुस्लिम कैरेक्टर ही रखे थे। ओके, ताकि कोई आगे चल के क्वेश्चंस ना उठा सके। हाँ, वो चैनल वालों ने नहीं किया। मैं ये चाह रहा था कि मैं ऐसा नहीं हूँ यार हिंदू मुस्लिम, मैं अगर वो करता मेरे पास स्क्रिप्ट आएगी मैं बनाऊंगा। तो मेरे पास स्क्रिप्ट आई थी, मैंने शूट किया, जिसमें सारे कैरेक्टर तो मुस्लिम ही थे। हाँ। लेकिन वो रिलीज नहीं हुई। अच्छा। तो लोग इसी वजह से अभी भी बोलते कि यार तुम खाली वैसे ही करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी बहुत सारी सीरीज बनाई है, मैंने निकाह पे बनाई है, मैंने हलाला पे बनाई है। और हम फिल्मी लोग कास्ट पे नहीं बिलीव करते, हम सब बराबर हैं। आप मेरे लिए एक इंसान है, मैं आपके लिए एक इंसान हूँ, हिंदू मुस्लिम पे कुछ होता ही नहीं है। अरे सब भाई है यार, मुझे बनाया ही हिंदू भाइयों ने। हाँ। मैं SSK बना हूँ उन्हीं के दम पे। करेक्ट। आज मैं जिनके साथ काम करता हूँ, मेरे यूनिट में 80 लोग है। हाँ। उसमें से मुस्लिम कितने होते हैं? 2-4-5 या 20 होंगे, बाकी 60 लोग कौन है? हमारे हिंदू भाई है। बिल्कुल। जिनको पता है कि मैं समीर हूँ और मैं कितना अच्छा हूँ, क्या हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं यार। उनको तो ऐसा कुछ है भी नहीं। बिल्कुल। आज आप देख लीजिए, मेरा जो घर है ये मुस्लिम एरिया में है। मेरा एक दूसरा फ्लैट था मालवानी वाला, वो भी मुस्लिम एरिया में था। मेरे में दोनों में जो ब्रोकर थे मुस्लिम थे। तो मेरी जो पहली प्रॉपर्टी बनी ही एक मुस्लिम ब्रोकर के थ्रू है। तो मैं कैसे कह दूं कि वो गलत हैं ये अच्छे हैं? यार इंसान बुरा होता है, कोई धर्म बुरा या अच्छा नहीं होता। देखो धर्म बना था इसलिए क्योंकि हमको यहाँ तक आना था। धर्म बुराई से बचाने के लिए बना है, बुराई करने के लिए नहीं बना है। बिल्कुल सच्चाई है। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसी आपकी कोई एक फेवरेट आर्टिस्ट जिसके साथ आपको काम करके ऐसा लगता है यार कि इसके साथ में आगे चल के फिल्म करेंगे, या शी इज द वन जिसको आपको ना देखकर लगता है कि अरे बड़े पर्दे के लिए बनी है, ऐसे कोई आर्टिस्ट? आप ईमानदारी से नाम लेंगे? बिल्कुल। मैं हमेशा उम्मीद करती हूँ कि SSK सर विल बी वेरी ऑनेस्ट।
यार मैं ना फर्स्ट टाइम जब ऐसा आपके साथ काम किया ना, तो फिर हाँ मैंने सोचा कि यार अगर मैं कभी फिल्म करूंगा हाँ और मुझे जो आर्टिस्ट लगी हाँ सुंदर टैलेंटेड, तो मुझे आप ही लगी यार, सच बताऊं तो। बाकी मेरी जितनी भी फ्रेंड हाँ एक्ट्रेस है हाँ सब भी अच्छी है, हाँ लेकिन मेरा थोड़ा लालच बढ़ गया। मैं उनके साथ हाँ भी करूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं करने वाला, बिल्कुल मैं बिल्कुल उनके साथ भी करूंगा, लेकिन अगर हाँ मुझे कोई पहले बोले कि हाँ किसके साथ करना है, हाँ तो जाहिर सी बात है मैं आप ही के साथ तो करूंगा। थैंक यू, मेरे शो में इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं सर। नहीं, किसी और का भी शो होगा तो यही बात बोलूंगा, यार मुझे हाँ पता है कि जो मैंने आज बोल दिया हाँ वो आज भूल गया है, वो पत्थर कहीं ना की कहीं लकीर। रहेगा ही, कहीं हाँ ना कहीं रहेगा। नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि मैं ये बोलूं और लोग बोले कि अब तू मुकर गया, करेक्ट तो मैं चाहता हूं कि मैं जो बोलूं और मैं वही बोलूं जो मैं कर सकता हूं, और हाँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे पीछे ना हटूं, मैं हाँ अपने बात पे कायम रहूं। तो समीर सर मुझे एक बात बताइए, जैसे हर डायरेक्टर का ना अपना एक जोन होता है कि यार ये जोन मेरा बहुत अच्छा है, मैं इस पे बनाऊंगा फिल्म तो बहुत अच्छी होगी, तो आपके हिसाब से आप कौन से जोन में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं, और इन फ्यूचर अगर आपको एक अच्छी फिल्म मिलती है बनाने को, कोई प्रोड्यूसर टकराते हैं यार बनाओ, तो आप किस पे बनाना चाहेंगे, किस मुद्दे पे आप बात करना देखो, चाहेंगे? मेरे पास ना ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास ये कि अगर मुझे मौका मिला फिल्म बनाना, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हाँ मुझे हर हाल में वो बेस्ट बनाना ही है। हाँ अगर मैं वो नहीं बनाऊंगा, अगर मान लो कि यहाँ आने के बाद मैं एक फ्लॉप दे दिया, तो हाँ क्या कैरियर है मेरा? कुछ तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे क्रिकेटर होता है ना, चाहे ओपनिंग करे चाहे मिडल में करे, कुछ भी करे, उसको अपने टैलेंट दिखाना ही है। तो मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मुझे कोई फिल्म मिलेगी तो और मैं जूनियर बताऊंगा। मैं हाँ तो वेट कर रहा हूँ कि कोई भी जूनियर हो भाई, मैं कर कर लूंगा, लेंगे, और मुझे एक मौका तो मिले कि मैं करेक्ट बेस कर सकता हूँ। तो करेक्ट मैंने अभी तक कोई जूनियर नहीं बनाया। और देखो, मैंने क्राइम भी किया है, कॉमेडी भी किया है, हर तरीके का कर रहा हूँ, और हम तो रियलिटी ही कर रहे हैं ना। करेक्ट और जब फिल्म बिल्कुल होगी तो टाइम भी मिलेगा, बिल्कुल, एक एक सोचने का सीन समय भी जमा के मिलेगा। और करेंगे। जब हम बिना सोचे समझे इतना अच्छा कर ले रहे हैं, अब जब हाँ सोच के करेंगे तो कितना अच्छा करेंगे, तो अच्छा ही करेंगे, करेक्ट इतनी मेहनत तो खराब नहीं जाएगी ना। तो मुझे ना अपने आप पे पूरा भरोसा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो सोचता हूँ वो मैं कर लेता हूँ। अब देखो, जब मैंने गाड़ी खड़ी की थी हाँ तब तो मुझे नहीं पता था कि मैं आपके बाजू में बैठ के इंटरव्यू करूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कर सकता हूँ। भले से साल लग गए, कई हाँ 13-14 साल लग गए, लेकिन मैं कर लिया। तो इतने आपको कितने साल हो गए इंडस्ट्री मैं में? 2010 में लगा था छोटी बहू में, तो मैं ओके काम करेक्ट सीखते सीखते, तभी तो लोग SSK बोल रहे, क्योंकि सीखा हुआ हूं। मैंने डायरेक्शन को ऐसे सीखा जैसे मोटर मैकेनिक सीखते हैं, करेक्ट गैरेज जैसा, हाँ काम को काम की तरह सीखा। हाँ तब लोग जब देखते तो उनको ये भी तो लगता, जैसे आप डायरेक्टर, आपने मेरे साथ काम किया, हाँ आपको कभी भी ऐसा लगा कि मैंने कोई गलत शॉट लगाया या कभी मुझे इस चीज नहीं। की नॉलेज नहीं है? क्यों? क्योंकि मैंने इतने लोगों के साथ सीखा है, बहुत सारे डायरेक्टरों के साथ सीखा है, बहुत सारा उनका काम सीखा है, जिसका जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने सीख लिया, रख लिया, उसमें फिर कुछ अपना इन्वॉल्व किया, और मैं करते करते यहां तक आया हूं। और मेरा ये मानना है कि अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं होगा ना, हाँ नसीब देखो एक दो बार काम आएगी, नसीब से मौका मिलता है, करेक्ट लेकिन उस नसीब के मौके को भुनाने के लिए टैलेंट चाहिए, हाँ और वो टैलेंट आपको मिलेगा सीखने से, समय देने से। मैंने करेक्ट सीखा, समय दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जब मुझे मौका मिलेगा, अगर मैं सीखा हुआ नहीं रहूंगा तो दोबारा कोई बुलाएगा ही नहीं। फैक्ट है और उसी फॉर्मूले पे करते करते यहां तक आया। करेक्ट। तो मुझे बताएं, कभी सेट पर ऐसा हुआ कि आपको किसी लड़की से प्यार हो गया हो, या आपको लगा हो यार कि कितनी प्यारी सी लड़की है, ऐसे आपको उसकी बाद में याद आई हो, उसे मिलने का मन हुआ वैसा? नहीं, मैंने ना एक्चुअल बताओ तो सही बात है कि लड़कियां मेरी सारी दोस्त हैं और हाँ सबसे मेरी अच्छी जमती है, हाँ लेकिन मैं ना इन चक्करों में एक्चुअल में नहीं पड़ा। हाँ ऐसा किसी लड़की की मुझे याद नहीं है कि बहुत सुंदर थी और मैं घर पे बैठ के उसको याद करूं, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। क्योंकि मुझे पता है कि हाँ ये धोखा है, हाँ छल है छल है, आज मेरी जम रही कल नहीं जमी, तो करेक्ट और मुझे जाना है अभी लंबा, हाँ तो ये सब चक्करों में मैं नहीं पड़ रहा हूँ। हाँ बस ये दोस्ती है और हाँ सबसे अच्छा हूं मैं, हाँ और सब मेरे साथ अच्छे हैं। तो जब कभी आप कमजोर पड़ जाते हैं, होता है ना हर इंसान का एक फेस आता है लाइफ का कि व्हेन वी नीड समवन, तो आपके पीछे किसका बहुत ज्यादा सपोर्ट है जो कहता है यार मैं हूँ यार मैं हूँ, ऐसा कौन है? ऐसा मैं ही हूं खुद जो, हाँ, मैं सोचता हूं कि मैं ही हूं, क्योंकि हाँ मैं जो सोच के यहां तक आया, मेरे घर वाले राजी नहीं थे, ओके उनको तो लग रहा था कि बंदा चुपचाप गाड़ी चलाए, हाँ 400-500 रुपए कमा के घर पे लाके दे, हाँ तो उस टाइम पे मैं था। हाँ और अब भी जब मैं फंसता हूं तो हाँ मुझे लगता है कि मैं हूं, मैं हाँ कर लूंगा, हाँ और मैं हूं अभी भी, और मैं कर लूंगा, ये मुझे भरोसा है, और मैं कर रहा हूं।
दोस्तों यहाँ पे आपको समीर सर से एक चीज सीखने को मिलती है, अगर आपको अपने पर आत्मविश्वास है तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, लाइफ में आप सब कुछ कर सकते हैं। ये हकीकत है, लेकिन हाँ मैं किसी के भरोसे पे, मतलब हम किसी के भरोसे पे कब तक रहेंगे? क्योंकि हम जो फील कर रहे हैं, हम जो फेस कर रहे हैं, वो हमको ही पता है। जैसे मेरा घर परिवार वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, और मुझे उससे लड़ के कैसे निकलना। हाँ तो उस टाइम पे तो मैं अकेला हूं, तो मैं खुद हाँ से ही सोचता हूँ ना। हाँ लास्ट डिसीजन हम मान लो कि लास्ट डिसीजन किसका होता है? अपना ही होता है ना। अपने होता है, तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही हूं, और मेरा ये बोलना है हर आदमी को कि हम ना कुछ भी कर सकते हैं यार, बस हमारी सोच की बात है कि हमको ऐसा लगना चाहिए कि हम कर सकते हैं, लेकिन समय देना पड़ेगा, लेकिन सीख के, हाँ समझदारी से। ऐसा नहीं कि फिल्म देखा 2 साल में पेटी भर के आ गया पैसा, ऐसा ऐसा नहीं नहीं होता। होता है। आपको कोशिश करोगे, आप मेहनत करोगे, आप बराबर सोचोगे, आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार अपने आप से ईमानदार हो, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं। अगर नहीं हूं तो मैं सीखूंगा, मेरी ये कमजोरी है। जैसे हाँ कभी कभी मुझे भी लगता है कि यार, बहुत बार ऐसा भी है ना कि एक बार मैं ऐसा अगर कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये मैंने गलत किया, तो मैं उसको सुधार रहा हूं हाँ ताकि दोबारा ऐसा ना लगे कि मैंने गलत किया है। तो मैं हर दिन अपने आप से सवाल करता हूं कि मैं कहां सीख रहा हूं, क्योंकि छोटे लोग को आगे बढ़ने के लिए उनका टैलेंट ही उनको आगे बढ़ाएगा। और आपको अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते कि सर मुझे चांस दो, हाँ लेकिन उनको खुद, वो लोग तैयारी नहीं कर रहे यार। उनको पता ही नहीं कि उनको बोलना क्या है, करना क्या है। वो अगर उनको एक्टर बनना है तो एक्टर बनने के लिए पहले सीखना पड़ेगा। करेक्ट, आज जितने बड़े एक्टर है, एकाध को छोड़ के सब एनएसडी से पढ़े हुए, एफटीआई से पढ़ के आए हुए हैं। बिल्कुल वो उन्होंने सीखा, पढ़े लिखे लोग हैं, तब हाँ वो इतने बड़ा नाम है वो। और हमारे जो गली मोहल्ले वाले, उनको लगता है कि वो बन गए तो हम भी बन जाएंगे, लेकिन ऐसा मैंने नहीं सोचा। मैंने सोचा कि वो बन गए हैं तो हम भी समय लेंगे, हम भी सीखेंगे, फिर हम भी बनेंगे। और अभी इतने साल में उतना नहीं बने जितना हमको बनना है, लेकिन अब यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, हम भी बन सकते हैं। और अभी भी मेहनत जारी जारी है, हम कर रहे हैं कोशिश और बनेंगे। अच्छा मुझे बताएं, जैसे कि आप बहुत सीनियर हैं, आपने बहुत काम रखा है, कर रखा है, तो पब्लिक जिन मेकआउट सीन्स को बहुत रियल समझती है, तो पब्लिक को बताइए कि जो मेकआउट सीन्स है वो कितने रियल होते हैं और कितने फेक होते हैं, और जब ये सीन शूट किए जाते हैं तो वहां पर कितने लोग होते हैं? देखो, जब सीन शूट किया जाता है तो मुश्किल से 3 से 4 लोग होते हैं, कट करो।